हेलो गाइस, आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। मैंने पूरा सूट स्टिच करके दिखाना था लेकिन मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, इसलिए मेरे से जितनी वीडियो बनी मैं उतनी शेयर कर देती हूँ। मैंने सबसे पहले प्लेट्स के निशान लगा लिए हैं। हमेशा की तरह चेस्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़कर, अंदर से 3.5 इंच का मार्जिन छोड़कर 8 इंच लंबा प्लेट का निशान लगाना है। और मैंने 4 प्लेट का निशान लगा लिया है, 2 आगे की 2 पीछे की। ये इसकी मोढ़े की और कमर की प्लेट्स में नहीं डालूंगी क्योंकि ये बहुत ही स्लिम लड़की है, इसकी इसी तरह से फिटिंग आ जाएगी। अब बोट नेक का कटिंग करनी है। मैंने बुकरम को फोल्ड कर लिया है और 4 इंच चौड़ा और 3.5 इंच गहराई में लेकर और अब अच्छे से ब्लाउज डाल ली है और 1 1 इंच का मार्जिन छोड़कर कट कर लिया है। इसका जहाँ पर निशान है वहाँ पर स्टिच करेंगे और गले को अच्छे से छांट लेना है ताकि अच्छे से गुलाई आ जाए गले की। और अब हम प्लेट का जहाँ पर निशान था वहाँ पर प्लेट डालेंगे। ऊपर से तिरछा लेके आना है और सेंटर से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर ऐसे ही चारों प्लेट का सीन लगा लेनी है, प्लेट की सीन लगा लेनी है। हमें ध्यान से लगानी होती है क्योंकि कई बार लाइनिंग पर ही सीन आ जाती है और आगे सूट का कपड़ा ऐसे ही छूट जाता है, इसलिए ध्यान रखना है कि हमें सारा अच्छे से सूट का कपड़ा भी अंदर पकड़ना है और लाइनिंग का कपड़ा भी पकड़कर प्लेट्स की सीन लगानी है। और अब हम बैक साइड के पल्ले को फोल्ड करके रख के वहाँ पर कट कर देंगे बैक साइड का गला। दोनों साइड पर बुकरम का गला नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सूट प्रिंटेड है, एक जैसा ही दोनों पल्ले हैं और आगे पीछे का पता नहीं चलेगा अगर हम बैक साइड पर भी बुकरम का गला लगा देंगे। और 3.5 इंच चौड़ा और 3 इंच गहरा मैंने निशान लगाकर कट कर दिया है और यहाँ पर 8 इंच का निशान लगाकर हमने बुकरम को चिपका लिया है लाइनिंग के कपड़े पर। और साइड पर 1/2 इंच का कपड़ा छोड़कर मैंने कट करके बुकरम के ऊपर फोल्ड कर देना है और बहुत ही सफाई के साथ गले को स्टिच करना है क्योंकि गले का काम ही सूट को अच्छा बना देता है। क्योंकि गला सफाई से लगा हो तो ऊपर से ही लोग देखना शुरू करते हैं कि सूट कैसा लग रहा है। और अब मैंने सेंटर के पल्ले को फोल्ड करके अंदर को कट लगा लिया है और सीधा सीधा चौक के साथ निशान लगा देना है और उसके ऊपर गला चिपकाना है बुकरम वाला। और इससे पहले मैंने जो लाइनिंग का कपड़ा आगे पीछे था वो भी कट कर दिया है और अब ये सेंटर में सिलाई लगाएंगे। पहले कच्ची सिलाई, इसको बाद में उधेड़ देते हैं, आधी तो कट हो जाती है आधी उधेड़ देते हैं। और अब बुकरम के किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है कपड़े को अच्छे से सेट करके ताकि हिले ना, गला ऊँचा नीचा ना जाए एक साइड पर। और अब अंदर से हमें 1 1 पैर का मार्जिन छोड़ कर कट कर देना है और इसे अंदर को फोल्ड कर देना है और किनारे पर अच्छे से सिलाई लगा देनी है सफाई के साथ। और हमारा फ्रंट का गला तैयार हो गया। और अब बैक साइड पर बुकरम का रे पट्टी लगानी थी बैक साइड पर और इसे तिरछा कपड़ा कट कर लेना है और 1.5 इंच चौड़ाई चाहिए हमें। अगर इंची टेप से निशान लगाना हो तो 1.5 इंच चाहिए, वैसे हमने अंदाजे से ही कट कर लिया है। अब इसे फोल्ड करके रे पट्टी को किनारे किनारे पर रख के मैंने इसे स्टिच कर दिया है और ये बैक साइड का गला भी हमारा रेडी हो जाएगा। और अब तीरे जोड़ देने हैं। बस इतनी ही वीडियो बनी थी। बाद में ना मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था और वो ठीक करने को दिया था, शाम को मिला और तब तक मैंने बाकी का स्टिच कर लिया था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो